संरक्षित खेती में पॉली ग्रीन हाउस, नेट हाउस और लो टनल हाउस तकनीकें आती हैं। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से इनका प्रयोग करते हैं। इसमें आप मौसम के विपरीत फसलें उगा सकते हैं। इसमें कीट बीमारियों की समस्या कम आती है और उपज खुले खेत की तुलना में 6 से 7 गुना अधिक होती है। नेट हाउस की अगर बात करें तो इसमें वायरस रोग की मार से फसलों को बचाने और तापमान मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। इसमें नर्सरी के अलावा सब्जियों, फूलों और कुछ फल वाली फसलों को उगा सकते हैं। इस नेट हाउस के अंदर जैसे शिमला मिर्च होगी, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ब्रोकली होगी और स्ट्रॉबेरी भी इसके अंदर होती है। अगर आप नेट हाउस लगवाना चाहते हैं तो कई जरूरी बातें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इसके निर्माण पर अधिक खर्च आता है। ऐसे किसी तरह की कमी या तकनीकी जानकारी का अभाव काफी रिस्की साबित हो सकता है। सबसे पहले कि जैसा है, हम खेत की जुताई करते हैं, उसको खेत की हम लेवलिंग करते हैं। खेत की लेवलिंग करने के बाद में हमें क्या करना होता है, उसकी खेत की लेवलिंग कर दी, उसका स्लोप बोलते हैं हम। एक साइड से हमें 3 इंच मिट्टी उठा के दूसरी साइड करनी होती है, दूसरी साइड का स्लोप हमारा 6 इंच का हो जाता है, जिससे कि पानी का ढलाव हो जाता है एक साइड में। उससे क्या होता है कि फसल के जो पानी है वो रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है, बरसात हो जाती है वो, उससे फसल का नुकसान ना हो। उसके बाद में हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद में जो हमारी मार्किंग होती है कि भाई कॉलम से कॉलम की दूरी 6 से 4 मीटर की होती है, उसके बाद में हमें उसमें होल मारने होते हैं। उस होल की गहराई 90 सेंटीमीटर होती है और उसकी चौड़ाई ऊपर की जो गोलाई होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है। होल मारने के बाद में हमने फाउंडेशन तैयार कर दी जाती है। फाउंडेशन तैयार करने के बाद में हम उसके पास में अपना ढांचा बिछा के, ढांचे बिछाने के बाद में उसको ढांचे को हम खड़ा कर देते हैं। ढांचा खड़ा करने के बाद में हम उसमें जो अपना इंसर्ट नेट होता है, टॉप लेवल पे हम इंसर्ट नेट लगाते हैं, साइडों में हम इंसर्ट नेट लगाते हैं और जो उसके कर्टन के लिए है, छांव के लिए, हम उसमें शेड नेट लगाते हैं जो 50% होता है और 110 GSM के आसपास का होता है। मैं किसान भाई से सदा कहूंगा कि आप हमेशा इंसर्ट नेट का यूज करें। जो अल्ट्रावाइज किरणें हैं वो हमें यूज करनी पड़ती है। स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद बेड तैयारी की जाती है। बेड का निर्माण फसल सिलेक्शन के आधार पर करते हैं। यहाँ आपको कुछ फसलें जैसे खीरा, शिमला मिर्च इत्यादि फसलों के लिए बेड निर्माण के बारे में बता रहे हैं। बेड में हम वर्मिंग कंपोस्ट का यूज करते हैं। वर्मिंग कंपोस्ट का यूज करने से हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है, जिससे कि हमें रासायनिक खातों का यूज नहीं करना पड़ता। उसके बाद में बेड बनाने की जो दूरी है वो हमारी 90 सेंटीमीटर, जो उसका पात है वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि बेड छोटा बना लेते हैं, कि सोचते हैं कि हमने क्या करा, जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतनी ही ज़्यादा पैदावार आएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उससे बल्कि हमारी पैदावार घट जाती है और जो हमारे बेड की डायरेक्शन है वो उत्तर और दक्षिण की तरफ, हम जैसे हमारे 6 मीटर के कॉलम में हमारे बेड बनने होते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उस पे के ऊपर हम ड्रिप बिछाते देते हैं। ड्रिप बिछाने के बाद में हम उसके ऊपर मल्चिंग डाल देते हैं। मल्चिंग डालने के बाद में हम उसमें सीड लगा देते हैं और सीड के बाद में हम अपना जो भी है उसकी देखरेख चालू कर देते हैं। नेट हाउस या पॉली हाउस में सिंचाई के लिए ड्रिप लाइन और स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाता है। कुछ एरिया में गर्मी के मौसम में बोर से पानी आने में बहुत मुश्किलें आती हैं। ऐसे एरिया में पानी स्टोर करने के लिए टैंक का निर्माण किया जा सकता है। जब पानी की समस्या हो उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। कि जैसा कि आप पीछे देखेंगे उसमें वो टैंक तैयार होया। टैंक पे हमारी क्या होता है कि हेड यूनिट लगा दी जाती है, जिससे कि पानी को हम क्या होता है, खेत में हमें अपने जितना पानी भेजना होता है, अगर पीछे से हमारा 100 लीटर पानी आ रहा है और हमें आगे कितना भेजना है, 50 लीटर पानी भेजना है, तो हम उस पानी को बाईपास कर देते हैं, आगे उतना ही जाता है। हम इसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, जो पानी की रिक्वायरमेंट है, एक पौधे को मिनिमम से मिनिमम एक दिन की रिक्वायरमेंट 1 लीटर पानी की होती है। ये अगर हम सुबह शाम इसको पानी को से इरिगेशन करेगा, वही हमारे लिए अच्छे बेनिफिट की बात होगी। जो हमारा आगे फिल्टर लगता है वो सबसे पहले हमारा गलेवर फिल्टर लगता है, उसके बाद में डिस फिल्टर लगता है, वो पानी को छान के आगे भेज देता है। और क्या होता है कि जो
कई तरह की ड्रिप आती है, पीसी आ गई, नॉन पीसी आ गई। मैं किसान भाई से कहूँगा कि हमेशा पीसी ड्रिप लगाए। पीसी ड्रिप का मतलब होता है एक पौधे से लेकर लास्ट पौधे तक कभी उतना ही पानी मिलता है, उतना ही खाद मिलता है। अब आ जाओ इसका कि जो सेड नेट है हमारा, जो ये सेड नेट है हम इसको छाँव के लिए करते हैं। अगर ज़्यादा धूप आपको दिख रही है पौधे के ऊपर तो इसको कर दो। इसको क्या करना है हमें, सवेरे के टाइम हमें इसको क्या है कि इसके ऊपर छाँव कर देनी है और शाम को इसको अपना खोल देना, इकट्ठा कर देना है। किसान भाइयों, आप अगर नेट हाउस में खेती का मन बना रहे हैं तो कम एरिया से इसकी शुरुआत करिए, क्योंकि इस पर अनुदान तो है ही, इसके बावजूद भी किसान पर अधिक खर्च आता है। इसलिए इसमें खेती करने से पहले तकनीकी जानकारी के साथ अनुभव जरूरी है। मैं कहूँगा जो सबसे अपना स्मॉल किसान है, जिसके पास में आधा एकड़ जमीन है, एक एकड़ जमीन है, वो थोड़े से पैसे के लालच में ना जाए। सबसे पहले आप किसी से लगवाते हैं उससे पहले बूझे कि पाइप की थिकनेस कितनी है, आप मेरे पास में कौन सा वो लगा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया आपको सभी किसान भाइयों की, आप हमेशा इंसर्ट नेट यूज करो। जो ऊपर है आपका साइड में इंसर्ट नेट होना चाहिए, टॉप में इंसर्ट नेट होना चाहिए, वो आपके लिए बेनिफिट है। आपकी यील्ड में भी अल्ट्रावाइज किरणें प्रॉपर उससे होती है। जो एक नेट हाउस के अंदर मैं काफ़ी बार देखा है कि कुछ किसान भाई उसमें हमेशा आ रहे हैं, अगर आपके पास में कोई लेडीज आई है, जेंट्स आई है, सबसे पहले आप उसके जो कपड़े वगैरह में झाड़ लेने चाहिए कि उसके ऊपर पता नहीं किस तरह का इंसर्ट नेट बैठा है, वो दूर से चल के आया। अगर किसी किसान भाई के पास में एक से अधिक दो नेट हाउस है तो एक नेट हाउस में जाने से पहले पहले दो मिनट बाहर रुकिए, उसके बाद में अंदर एंट्री करिए। आप जितनी स्वच्छता के साथ में, जितनी सफाई के साथ में आप अपनी पैदावार को नेट हाउस का रखेंगे, आपको अधिक उतना ही उत्पादन अच्छा होएगा। और सबसे पहले बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने खेत का पानी स्वयं जांच कराओ। अगर आपके खेत का पानी अच्छा है तो आप वहां पर उसी तरह की अपनी जो सब्जी है वो लगानी चाहिए। अब जैसा खीरा हो गया, खीरे के लिए हमने 0.5 से लेकर 0.9 तक का इसी चाहिए, उसके लिए शिमला मिर्च तक का भी यही चाहिए, और जो टमाटर है टमाटर तक के लिए हमें इसी उसका ज़्यादा होता है। जिससे पानी के अंदर खारापन ज़्यादा होगा वहाँ पर वैसी सब्जी जैसे टमाटर हो गया, मिर्च होगी, उधर इन तरह की सब्जी ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ें विशेष ध्यान देने योग्य होती है। हम एक एकड़ के अंदर मिनिमम से मिनिमम 7 एकड़ तक की पैदावार लेते हैं और हमारा जो टोटल पर ईयर का खर्चा काट के है 7 से 8 लाख रुपये तक का नेट प्रॉफिट है। और इसके अंदर जो हमारे किसान भाई है उनको गाँव के, अगर एक किसान ने एक नेट हाउस लगाया उसमें गाँव के 4 व्यक्तियों को और रोजगार प्राप्त होता है।